अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो ये आज सुबह का ब्लॉग है। यहाँ पे हो रही थी पिंडी में काफ़ी बारिश, और ये पहला जो आपको मैंने पौधा दिखाया है, इसमें मैंने थोड़ा टाइम पहले शिमला मिर्च के बीज डाले थे, तो अब उसमें अच्छा सा उसमें वो पौधा निकल आया हुआ है। तो अब देखें इंशाल्लाह जी शिमला मिर्चें फिर निकल आएंगी। तो माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा पिंडी में मौसम था, बारिश काफ़ी हो रही थी। ये वाला पौधा, हाँ जी, तो इसमें अच्छे से इसके लीव्स वगैरह निकल आए हैं। तो ये फिर मैंने छत पे सबसे ऊपर जाके फिर मैंने यहाँ का व्यू कैप्चर किया। तो जी देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम, सही ठंडा ठंडा मौसम है। और इन पहाड़ियों पे मोनाल है जी, इस्लामाबाद मोनाल रेस्टोरेंट है। तो बस मैंने यहाँ पे बारिश में देखने गई ऊपर, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा वीडियो बना ली जाए। ये देखें जी, ये बारिश हो रही है, काफ़ी ठंड हो गई है दोबारा से रावलपिंडी में। तो पहले ज़रा गर्मी थी थोड़ी सी, तो शुक्र है अब मौसम अच्छा हो गया। तो फिर जी ये मैंने साथ ही खाने की तैयारी शुरू कर ली थी लंच की। तो यहाँ पे मैं राजमा लाल लोबिया और चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोबिया उबलने के लिए रख दिया था, साथ में प्याज वगैरह ब्राउन किया, और साथ में पीने का पानी भी भर रही हूँ। आपको पता है किचन में साथ साथ काम छोटे मोटे लगे रहते हैं। पानी फिनिश हुआ हुआ था, हस्बैंड पानी लेके आए, तो फिर मैंने पानी भरना शुरू किया। तो ये देखिए जी, ये मैंने सारी बॉटल्स और जग में पानी भर लिया है। तो यहाँ पे मेरे प्याज भी लाइट से ब्राउन हो रहे हैं, और कुकर में मैंने लोबिया रात को मैंने भिगो दिया था, तो मैंने वो उबालने के लिए रखा हुआ था, बॉईल हो रहा था वो। तो बस अब मैं यहाँ पे लोबिया का मसाला बना लूँगी। और यहाँ पे मेरा लोबिया गल गया है, बस अब मैं यहाँ पे फिर प्याज मेरा ब्राउन होगा, तो फिर मैंने इसमें ये अदरक लहसुन की 2 क्यूब्स डाल दी थी। मसाला मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। 2 अदद मैंने मीडियम प्याज ली थी, 1/2 कप ऑयल लिया था, और 2 लहसुन अदरक की क्यूब्स डाली थी, 1 मैंने ग्रीन चिली डाल दी थी टेस्ट के लिए। राजमा मेरे पास 2 कप था, साथ में मैंने अब टमाटर इसमें डाल दिए हैं, पीसे हुए टमाटर थे। और मसाले डाल रही हूँ, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ी सी देगी लाल मिर्च, और यहाँ पे मसाला भून रहा है। ये देखिए अब मैंने मसाला भून के तो फिर मैंने लोबिया में डाल दिया है। बस अब मैं इसको फिर प्रेशर लगाऊंगी, थोड़ा सा पानी डाला है, और प्रेशर लगा के दोबारा से इसको हल्की आंच पे रख दूंगी, ताकि अच्छा सा इसका सालन गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाए। किचन का काम ख़त्म होने के बाद फिर मैंने फटाफट से किचन को वॉश कर लिया था। तो यहाँ पे जी मैंने सिंक को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था सारा। आपको पता है बर्तन धुलते हैं दिन में काफ़ी दफ़ा, तो फिर सिंक की सफाई बड़ी ज़रूरी है। फटाफट मैंने साबुन लिया, और साथ में मैंने स्पंज लेके अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया। तो ये देखें जी साफ़ हो गया। फिर मेरा राजमा रेडी हो गया था, लाल लोबिया, तो मैंने इसको कुकर से निकाल लिया था। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, साथ में कढ़ाई में नमक डाला था, चावल मैंने भिगो लिए थे। तो यहाँ पे मैं चावल बॉयल कर रही हूँ। ये फिर चावल जब बॉयल हो गए, इनको मैंने स्ट्रेन करके, तो फिर मैंने थोड़ा सा घी ऊपर से डाल के, तो फिर इनको मैंने दम पे रख दिया था। और ये देखें जी माशाल्लाह कितने अच्छे खिले खिले चावल बन गए हैं। और फिर हमने जी खाना खाया, साथ में मैंने सैलड काट लिया था और अचार भी था। तो जी ये शाम का फिर टाइम था, तो मैं रोल्स
बनाने लगी थी वेजिटेबल रोल अपने लिए, तो फिर मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली थी। शिमला मिर्चें और गाजर और बंद गोभी मैंने काट ली थी और मैक्रोनी उबाल रही हूँ मैं साथ साथ में। मैंने सॉसेस भी रखी हैं, नमक, काली मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस, और यहाँ पे मैंने ये उबाल रही हूँ इसको, मैक्रोनी को। बस ये जब बॉईल अच्छी तरह से हो जाएगी तो फिर मैं इसका मसाला बनाऊंगी। आपको पता है रमज़ान की अब तैयारियाँ माशाल्लाह से शुरू हुई हैं, तो फिर मैंने रमज़ान के लिए रोज़ वग़ैरह बनाना शुरू कर दी हैं, बना के रख लेती हूँ, फिर रमज़ान में इजी रहता है काम करना। ये देखिए मैं मैक्रोनी को बार बार चेक कर रही हूँ कि ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए तो, और लगे भी ना, क्योंकि डाल के मैक्रोनी को चम्मच हिलाना तो 3 दफ़ा काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बस इधर मेरी मैक्रोनी ऑलमोस्ट होने वाली है, तो फिर मैंने इसको ड्रेन कर लिया था। मैक्रोनी को बॉईल करते वक्त ज़रूर ठंडा पानी ऊपर से डाला करें ताकि वो ओवर कुक ना हो। यहाँ पे मैंने पैन में सब्ज़ियाँ डाल दी थी, नमक, काली मिर्च, साथ में मैक्रोनी डाल दी थी, थोड़ा सा ऑयल डाला था तकरीबन 1 टेबल स्पून के मुताबिक, और मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ डाल के इनको मिक्स कर रही हूँ। साथ में मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। तो जी ये देखिए मैं इनको मिक्स कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा डाल के, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करने से ज़रा आसानी भी हो जाती है और टेस्ट का फिर लास्ट में पता भी चल जाता है। तो जी ये मेरा मिक्सर रेडी हो गया। मैंने इसको ये बड़े बर्तन में निकाल लिया था, जिस बर्तन को परात कहते हैं, आटा गूंदने का बर्तन भी लोग कहते हैं इसको, तो इसके अंदर ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि मैंने पट्टियाँ लाई हुई थी। तो जी ये मैंने स्प्रिंग रोल्स बनाने थे तो फिर इसलिए मुझे मिक्सचर ठंडा चाहिए था। तो यहाँ पे देखें जी मैं 2 तरीक़ों से स्प्रिंग रोल्स ये देखें बना रही हूँ। तो मांडा पट्टी मैंने ली थी, तो मैंने तकरीबन 1-1 टेबल स्पून जितना मिक्सचर डाला था, जितना आप लोगों को पसंद हो आप लोग उतना डालें। तो ये तरीका देखें, एक ये तरीका है। तो साथ में मैंने जोड़ने के लिए लई भी बना ली थी, आटे की और पानी की लई, और ब्रश की मदद से फिर इसको लगा के जोड़ लिया था। अक्सर लोग अंडे से भी जोड़ते हैं और पानी से भी, मैंने इससे जोड़ा है क्योंकि मैं अंडा नहीं खाती, दैट्स व्हाई। तो ये मैं साइड से जो थोड़ा सा मोटा इनका स्टफ़ होता है, वो मैं कच्चा भी होता है, वो भी उतार लिया था सीज़र की मदद से। तो ये देखें जी ये यहाँ पे मैं रोल्स बना रही हूँ, तो बस इनको बना के फिर रख लिया था फ्रीज करके, फिर बहुत आसानी हो जाती है। आप लोग भी घर पे अच्छा साफ़ सुथरा बनाया करें ताकि आसानी भी रहती है, और घर का साफ़ सुथरा बना हुआ होता है तो वो सही रहता है। मांडा पट्टी के भी रोल्स बनते हैं और चोरस पट्टी के भी बन जाते हैं रोल्स, पर मांडा पट्टी के अच्छा होती है, ज़रा बड़ी होती है और ज़रा लुक भी अच्छी आ जाती है, अच्छा उसमें रोल बन जाता है। ये देखें जी ये बन रहे हैं थे रोल, और ये फिर डिनर का टाइम हो गया था रात को, फिर हस्बैंड बाहर से खाना ले आए थे, कबाब लाए थे, तो फिर मैंने घर पे मसाला बना के कबाब उसमें डाल लिए थे। तो बस अब हम लोग सर चटनी वगैरह बना ली थी, ये रायता था साथ में, रोटी थी, बॉटल थी, तो बस अब हम लोग खाना खा लेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।